सतगुरु कबीर महाराज जी के 625वें प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में चौथी सांझी प्रभात फेरी सतगुरु कबीर मुख्य मंदिर भार्गव नगर से निकाली गई, जो कि अलग अलग इलाकों की परिक्रमा करते हुए सतगुरु कबीर मंदिर गांधी कैंप में पहुंची, जिसका स्वागत जोगिंदर पाल छिंदा, ठाकुर भगत, संजीव रिंकू भगत, बिल्ला भगत, राजेश भगत, अंजलि भगत, कमल भगत और जीता भगत ने पुष्प वर्षा कर किया। इस दौरान भक्तों ने सतगुरु कबीर जी की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर प्रधान अनिल कुमार, रविंदर भगत, पवन कुमार, डॉक्टर शशि कुमार सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। शुभ दिहाड़ा आन ते मुख मंदिर वालों जिहड़ियां एक वख वख एरिए दे विच प्रभात फेरियां शुरू कीतियां, उस प्रभात फेरी दे मुख मंदिर वालों अज वार्ड नंबर 65 जिसकी कौंसलर अंजलि भगत गांधी कैंप दे विच अज उन्हां दा निघा जिहड़ा एक स्वागत करन दे लई सारा वार्ड तह दिल दे नाल उस प्रभु की कृपा दे कबीर महाराज जी दे छतर छाया दे नाल उन्हां दा स्वागत किया गया। और मैं जिहड़े मेरे इस दिशा दे उत्ते झंडा फड़ा के गए ने, मैं उन्हां दे बजुर्गां दा अपना शीश जिहड़ा एक वारी नहीं हजारां वारी चुकांदे होए उन्हां दा नां लैंदे होए इस वार्ड दा जिहड़ा कि तह दिल दे नाल शुगल गुजार करना। बड़ा ही शुभ दिहाड़ा है कि अज एक शोभा यात्रा दा उपराला किया गया है, प्रभात फेरियां दा उपराला किया गया, जिदे विच अज मुख मंदिर तो और बाकी सारे जलंधर के बाकी सारे कबीर मंदिरों तो जिहड़े मुख प्रधान चेयरपर्सन और उन्हां दी संगत लैके अज साडे सतगुर कबीर मंदिर गांधी कैंप दे विच अज सारिया ने
आगमन किया। मैं उन्होंने सारियां का धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने अज सारी संगत ने अज कबीर गांधी कैंप के कबीर मंदिर के सतगुर कबीर जी की बाणी का उच्चारण किया। मैं उन्होंने सारियां का धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने अज सवेर तो लैके दोपहर तक सब ने एक एक कदम भर के कबीर मंदिर तक पहुँचे और उस बाणी का प्रचार किया, उस बाणी का गुणगान किया। मैं सारे इलाका वासियों का और बाहरों आई हुई जलंधर तो सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने अज साडे एरिए पवित्र किया। जय कबीर, धन कबीर।